आप रोज इंस्टाग्राम पर कितना समय बिता देते हो? कुछ गंदे फोटोज और वीडियोस दिन प्रतिदिन देखते हो, आपके मन में सब गंदे और फालतू विचार घूमते हैं। तो आज मैं ऐसी एक वेश्या की कहानी बताना चाहता हूँ जो इन सब ख्यालों से जूझ रही थी। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब लोग महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उनके संघ में शामिल हो जाते थे। लोगों को बुद्ध के प्रवचन इतने अच्छे लगते थे कि कोई भी बीच में बुद्ध के देश को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहता था। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वे एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम यह था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे युवक थे। यह भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह युवक यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा, उसका मन बहुत ही पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। कहते हैं कि जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के अत्यंत निकट होता है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासव दत्ता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत ही बाहर और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान युवक, जिसका शरीर गठा हुआ है, उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई। वह उस पर मोहित होने लगी, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। अक्सर यही होता है, हमारा मन उसके पीछे कभी नहीं लगता जो हमारे पीछे हमेशा लगा रहता है। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वासव दत्ता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना गाना बंद कर दिया, जो दिन भर मुस्कुराती रहती थी और लोगों को मनोरंजन करती रहती थी। वह सुंदर वासव दत्ता बिल्कुल मौन हो गई थी। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई अमीर लोगों के निमंत्रण आते थे और हमारे उत्सवों में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपना जीवन साथी बना लिया था। वासव दत्ता की दासी बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी और उसकी भूख और प्यास को भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासव दत्ता को रात दिन वह भिक्षु ही याद आता था। वह उस भिक्षु की याद में बहुत ही कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलती है, लेकिन चिंता सदैव जलाती रहती है। वह वासव दत्ता नाम की वैश्या कहीं आती जाती नहीं थी। अब एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई भी देखना तक पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासव दत्ता बहुत ही बीमार है और उसकी हालत बहुत ही खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। वासव दत्ता ने दासी से कहा, यहां पर उन्हें मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूं। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगी। पर भिक्षु थोड़ी बाद अंदर खुद ही आ गए और कहा, हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना करो, शर्मिंदा मत हो, मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती है, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक इंसान अपने बुरे विचारों में, वासना युक्त विचारों में डूबा रहता है, तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की, उसे ज्ञान की शिक्षा भी दी। योग साधना और ध्यान के माध्यम से उसके अवगुणों को दूर कर दिया। धीरे धीरे उस वेश्या के मन से सारे अपवित्र विचार दूर होने लगे, सारे दूषित विचार दूर होने लगे। अब वह पहले की अपेक्षा बहुत शांति का अनुभव करने लगी थी। ऐसी अनुभूति उसके मन में होने लगी थी जो इससे पहले आज तक उसने कभी भी अनुभव न किया था। अब उसे किसी भी प्रकार की चाहत नहीं थी, न ही सुंदर बनने की इच्छा थी और न ही अच्छा दिखने की। अब उसके मन में किसी भी मर्द की चाहत न थी। ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं था जो उसे परेशान कर सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक अपवित्र और दूषित हो सकता है जब तक उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं आता है, जब तक वह प्रकाश की तरफ नहीं जाता है। वह प्रकाश कोई भी हो सकता है, पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, अर्थात
जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए, तो वह साधारण पुरुष नहीं होता है। दिखने में भले ही वह और पुरुषों जैसा दिखता है, लेकिन वह साधारण पुरुष नहीं होता है। वह कैसे हो सकता है जिसने आपकी पूरी को रख दिया? वासव दत्ता की वासना पूरी तरह मिट गई, उसका विवेक जाग उठा। बीच उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, हे बुद्ध, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई, अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। आपकी जिंदगी में अंधेरा तब तक है तब तक आपके विचार दूषित हैं, तब तक आप अपवित्र हो सकते हैं। जब तक आप प्रकाश की तरफ नहीं भागते हैं, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। जिस दिन आप प्रकाश में खुद प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।